आज हम एक बर्नर या पेचकस की सहायता से बैटरी को चेंज करवाएंगे, क्योंकि बैटरी दोस्तों बैटरी चेंज करवाने का ट्रिक बताता हूं दोस्तों। आपकी बैटरी गारंटी पीरियड से निकल चुकी है, ख़राब हो गई है या गारंटी ख़त्म हो गई, फिर भी आप बैटरी को चेंज करवा सकते हैं। कंपनी आपको बैटरी को पीस टू पीस चेंज करके देगी। तो देखते हैं तरीके को और लास्ट तक बने रहना हमारे इस वीडियो पर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी शानदार ट्रिक आपको मिलते रहेंगे। आप इस बैटरी को चेंज करवा सकते हैं। आपकी बैटरी गारंटी पीरियड के अंदर है और सुबह सुबह प्रॉब्लम करती है स्टार्ट होने के अंदर, किसी भी ट्रैक्टर की और किसी भी साधन की बैटरी होनी चाहिए। इस वीडियो को कम्प्लीट तरीके से देखना है, पूरा कम्प्लीट वॉच करना है, उसके बाद में ही बैटरी के ऊपर ट्राई करें आप। पहले आधा अधूरा वीडियो देख कर बैटरी के ऊपर ट्राई ना करें। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अब हम इसको बैटरी को चेंज करवाने का तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। वैसे तो ये बैटरी 18 महीने की गारंटी आती है, लेकिन इसको बैटरी को हो गया 17 महीना हो चुका है, एक महीना ही इसका गारंटी पीरियड बचा हुआ है। तो अब हम क्या करना है दोस्तों, जैसे कि हमने एक आइडिया लगाया था कि इस बैटरी का एक महीना ही बचा हुआ, अगर एक महीने के अंदर ये ख़राब हो जाती है तो हमें पीस टू पीस नहीं मिल जाएगी। तो दोस्तों तो ऐसा आपको अगर करना है तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जिसको ध्यान से देखना और इसको फॉलो करें ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले मैंने सभी सेलों की ग्रेविटी चेक की है, और पहले क्या था कि इस तरीके से सभी के अंदर ये ग्रेविटी बताएगा, एकदम फुल चार्ज है ये बैटरी। इसकी ग्रेविटी देख सकते हैं 1250 ग्रेविटी आ रखी है इसके अंदर, आप देख सकते हैं इसके अंदर येलो के अंदर 1250 ग्रेविटी, ठीक है। तो ये बैटरी एकदम चालू है, कंप्लीट है, सेलब उठा रही है, लेकिन 17 महीना हो चुका है। और अभी ये गारंटी अगर एक महीने के बाद में गारंटी निकल जाती है तो ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर ख़राब भी नहीं होगी ना, तो ये कम से कम चलेगी 4-5 महीने और चल जाएगी, उसके बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, 18 महीने इसकी गारंटी है, 17 महीना हो चुका है, और हम क्या करेंगे कि भी एक सेल को ख़राब करके इसको चेंज करा देंगे। तो वापस 18 महीना की तो कम से कम चलेगी वापस, एकदम नई तो बैटरी हो जाएगी ना। तो इस वजह से हमने ये एक आइडिया लगाया है। तो दोस्तों आपको भी मैं बता देता हूँ, वीडियो को देख के कम्प्लीट और उसके बाद में आप ट्राई करें, वरना आपकी चलती अच्छी खासी चल रही बैटरी वो भी नहीं चलेगी और वो भी ख़राब हो जाएगी और चेंज भी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, ये ब्लेड की मदद से है, एक फनर है, ये फनर इसके अंदर ऐसे इस तरीके से आनी चाहिए, हालांकि ये चौड़ाई ज़्यादा है, पतली ब्लेड आती है, 10 रुपये वाली फनर आती है एक और पतली वाली, उसको आप यूज में लेना है, ठीक है। मतलब ये तरीका नहीं बता रहा हूँ जो आपको फूटी को या शॉर्ट करना है, इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों बढ़िया तरीका बताऊँगा, दोस्तों आपको क्या करना है, अगर गारंटी पीरियड के अंदर एक महीना ही बच रहे हैं तो चेंज करवाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों सभी सेलों के अंदर मैंने ट्राई की है इसके अंदर, अब हम इसको बैटरी को चेंज करवाएंगे, रिप्लेसमेंट के अंदर भेजेंगे और चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो अब हमारा जो माइनस वाला जो सेल है ना, हमने इसके अंदर ट्राई किया था, सभी के अंदर ये 1250 ग्रेविटी आ रही है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ग्रेविटी दिखा रहा हूँ आपको, ये देख दोस्तों फुल बैटरी चार्ज है, सेलअप स्टार्ट हो रही है, काम कर रहा है सेलअप बराबर, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आती है, सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होता है। और इसकी गारंटी पीरियड भी निकलने वाली है, एक महीना ही बचा था, 17 महीना हो चुका है। तो हमने क्या किया, एक लोहे की फनर ली ऐसी, ठीक है, या वो एक वायर ले लेना है, तार ले लेना है आपको ज़्यादा सा मजबूत, या इस तरीके का कोई चपटा पेचकस ले लेना है। इसके अंदर जो प्लेटें दिख रही हैं दोस्तों, इस प्लेटें के अंदर इस तरीके से सेंटर में बीच में डालना है, पता भी नहीं चलना चाहिए किसी को, दुकानदार को भी इसके अंदर कुछ कानूनी कर रखी है, ठीक है। तो हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे और इसको ऐसे ठोक देंगे, पूरा ठोक देंगे अंदर तक, ये ठोक चुका है, और हम इसको बाहर निकालेंगे दोस्तों। हमने इसके अंदर इसको पूरा ठोक दिया है अंदर ठोकने से क्या होता है दोस्तों, इसकी जो प्लेटें होती हैं बैटरी की, शीशे वाली प्लेटें होती हैं, वो आपस में बीच में से डैमेज हो जाती हैं और आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। शॉर्ट होने के बाद में क्या करते हैं दोस्तों, जो इसकी जो ग्रेविटी होती है, कुछ घंटे बाद इसकी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी और बिल्कुल जीरो ग्रेविटी पर आ जाएगा दोस्तों। तो अभी हमने इसके अंदर ट्राई किया था, सभी सेल्स 6 सेल इसके अंदर कंप्लीट हैं, सेलअप उठा रही बैटरी, लेकिन एक महीना ही बाकी रहा गारंटी का, और हम इसको चेंज करवा ली बैटरी को, सेल को ख़त्म करके। जब दुकानदार चेंज करेगा मशीन पर, हाइड्रोमीटर से, किसी भी तरीके के लोड टेस्टर से चेक करेगा, ये सेल डाउन बताएगा दोस्तों। तो अब हमने जो पेचकस का इस्तेमाल किया है, कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं, और
एक दो सेल्फ भी लगा लिया ट्रैक्टर के ऊपर रखकर, उसके बाद में हमने ग्रेविटी देख रहे हैं, आपको मैं बता देता हूँ। अब इसकी ग्रेविटी देखेंगे दोस्तों, तो ये देख सकते हो दोस्तों एकदम बिल्कुल डीप डिस्चार्ज हो चुका है, इसका सेल बिल्कुल डीप डिस्चार्ज हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी इस तरीके का ये ट्राई कर सकते हैं, और अपनी गारंटी पीरियड से निकलने वाली बैटरी सिर्फ एक महीना ही बच रहा है, तो इस तरीके का ट्राई करें हम। और ऐसे एक सेल फेल हो गया, मतलब ये अब सेल फेल हो गया, तो अब ये स्टार्ट नहीं कर पाएगी, सेल्फ नहीं उठा पाएगी, ठीक है ना। ये तरीका हमने अपनाए हैं यहाँ पर, और अब हम इस बैटरी को चेंज आसानी से करवा सकते हैं, एक महीना ही बच रहा है इसके अंदर, हम इसको बैटरी को कंप्लीट तरीके से चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें वापस नई बैटरी मिल जाएगी पीस टू पीस, ठीक है। और अगर हम चेंज नहीं करवाते हैं तो कम से कम 4-5 महीना ही और चलती है, लेकिन अब हम इसको चेंज करवा देंगे तो कम से कम नई बैटरी मिलेगी, गारंटी भी नहीं मिलेगी, फिर भी 18 महीना तो कम से कम चलेगी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो जानने के लिए हम और भी सारी वीडियो डालते हैं। और आप देख सकते हो इसका सेल बिल्कुल डीप डाउन हो चुका है, ठीक है, सभी के अंदर 1200-1250 ग्रेविटी है, 1200-1250। आशा करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अच्छा सा प्यारा सा। मिलते हैं अगले वीडियो में।